हाय फ्रेंड्स, आज बच्चों की डिमांड पर बनाया ये वायरल ओरियो मिल्क शेक। ये बना था इतना क्रीमी एंड चॉकलेटी कि सब ने बहुत तारीफ की और बच्चों को तो ये पी के मज़ा ही आ गया। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया मैंने इससे एकदम क्रीमी और चॉकलेटी। अरे भाई, अब ओरियो मिल्क शेक बना रहे हैं तो गिलास की थोड़ी साजो सज्जा तो बस थोड़ा सा चॉकलेट स्प्रेड लिया और उसे गिलास पे अंदर की तरफ से ऐसे लगा दिया, डिज़ाइन बना दिया। फिर हर्शीज की चॉकलेट सिरप ली और उसे भी थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया गिलास के अंदर की तरफ। अब मैं ये फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। एक्चुअल में मैंने इसे फ्रीज़र में रखा था। अब एक मिक्सर जार में मैंने लिया ओरियो के बिस्किट्स, इसको थोड़ा सा क्रश करके मैंने डाल लिया था। इसे क्रीमी बनाने के लिए मैंने इसे क्रीम के साथ ही डाल दिया था, इसकी क्रीम अलग नहीं की थी मैंने। और देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड भी इसमें डाल दिया है, करीब 2 चम्मच। 1 टेबल स्पून चीनी भी मैंने इसमें ऐड की थी। अब हम थोड़ी सी हर्शीज की चॉकलेट सिरप भी इसमें डाल देंगे और 1 गिलास दूध डालकर अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे क्रीमी टेक्सचर के लिए। 4-5 क्यूब्स आइस के डालकर मैंने इसको मिक्सर में बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। देखिए, जो चॉकलेट हमने फ्रीज़र में सेट होने के लिए गिलास को रखा था वो भी हमने निकाल लिया है। अब थोड़े से ओरियो बिस्किट को क्रश करके मैं इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी आइस क्यूब्स डालकर अब जो मिल्क शेक ब्लेंड करके हमने रखा था वो भी मैं इसमें डालती जाऊँगी। इसको हम अब टॉप करने वाले हैं वनीला आइसक्रीम के साथ में, यस, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद है। अब टॉप कर दूँगी मैं इसे थोड़े से चोको चिप्स के साथ में और हर्शीज की चॉकलेट सिरप के साथ में इसको गार्निश करके। लीजिए, हमारा ओरियो का मिल्क शेक तैयार है। कैसा लगा आपको? थोड़े से ओरियो बिस्किट के साथ गार्निश करेंगे।